नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। तो मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट ऑक्टोपस छोटन दास गुप्ता। तो मुझे एक दोस्त ने बहुत सारे कमेंट करके बोला है मुझे व्हाट्सएप पर, सर मुझे पैड में कॉपी करना नहीं आता है दोस्तों। तो कॉपी करना बहुत ही ईजी है दोस्तों। तो मैं पहले आप लोगों को प्यार से समझा दूँ कॉपी करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है और क्या क्या उसमें काम आएगा। जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए मैं 101 में हूँ, यानी 101 में हूँ, मुझे इसी पैच को ले जाना है मान लीजिए 150 में। यही पैच को मैं दूसरे जगह में शिफ्ट करूँगा, यानी ले जाऊँगा। ले जाने के बाद मैं वहाँ में दूसरा पैच बनाऊँगा, तो इसका जो साउंड प्रोडक्शन है दोस्तों वहाँ आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है दोस्तों। तो अब ले जाइए वहाँ। तो कैसे ले जाएंगे वही देखने वाला चीज़ है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं। हाँ, आपको लेवल स्विच है, पिच स्विच है, अदर स्विच है और किट कॉम्बो स्विच है, और क्या है, कॉपी एक्सचेंज। तो दोस्तों मुझे यहाँ ही आना है और इसको ही एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ दिखा रहा है कॉपी EX कॉपी किट। अच्छा दोस्तों, मुझे इसको कॉपी अगर करना है तो मैं एंटर दबूंगा। अगर मुझे कुछ पैड, मतलब एक यहाँ का एक पैड को अगर कहीं जगह ले जाना है दोस्तों, मान लीजिए इस पैड के दूसरे जगह पर, या इस पैड की जो आवाज़ है मैं दूसरे पैच में जाके मुझे शिफ्ट करना है यानी लगाना है, तो मैं आगे जा सकता हूँ दोस्तों। इसको बहुत प्यार से देखिएगा, देख सकते हैं हम कॉपी पैड है दोस्तों। इस कोई भी इस पैच का कोई भी टोन या कोई भी साउंड मैं मान लीजिए 150 में हो गया, 200 में हो गया, 30 या 30 में हो गया, 20 में हो गया, मैं इस टोन को, एक टोन को इस पैच का ले जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, कॉपी पैड। अगर पूरा पैच को ले जाना है दोस्तों तो पीछे आना है, कॉपी किट। किट यानी सब कुछ, यहाँ का जो 8 पैड है दोस्तों सबका टोन चला जाएगा। और कॉपी पैड अगर करना है दोस्तों तो मुझे एक टोन को चूज करके उसको एंटर करके मैं कौन सी पैड में ले जाऊंगा, यानी कौन सी पैच में ले जाऊंगा दोस्तों, उसको चूज करना है। तो एक ऐसे करेंगे, ये सारे फंक्शन जो है एक ही सिस्टम में जाता है, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद आ गया दोस्तों, आगे जाएंगे कॉपी एक्सचेंज किट। जैसे कि दोस्तों मैं मान लीजिए यहाँ का पैच वहाँ ले जाऊँगा, वो 150 का 150 नंबर में ले जाऊँगा पैच। तो 150 नंबर में जो पैच है दोस्तों यहाँ आ जाएगा, इसका भी एक सिस्टम है दोस्तों सेम। तो मैं पहले इसको समझा दो, आगे क्या है दोस्तों देखेंगे। कॉपी पैड सेम एक्सचेंज पैड, सॉरी दोस्तों, इसको ले जाएंगे एक्सचेंज पैड, यानी उस खाने में जो 150 150 नंबर में पैच का जो खाना है उसमें हम यहाँ का जो पैड 101 वाला जो टोन है ले जाएंगे, जहाँ बैठाएंगे उस टोन को, फिर वहाँ से उठ के इस मान लीजिए उस टोन को यहाँ आ जाएगा 101 में। तो इसको एक्सचेंज बोलते हैं और यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने एक्सचेंज। तो दोस्तों मैं प्यार से आप लोगों को इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इस कॉपी एक्सचेंज बॉटम का जो काम है दोस्तों, मैं सारे कुछ समझने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, एक ही वीडियो देख लीजिए, एक वीडियो में आपको सारे कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद कॉपी लेयर है दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है। एक लेयर मतलब आप लोग जानते हैं, पहले मैंने वीडियो दे रखा है दोस्तों, मैन बैंक सब बैंक। तो आप कोई भी बैंक का अब ले एक्सचेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, आगे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इस बार मैं आपको दिखाऊंगा कॉपी किट, सब कुछ एक ही टाइप को करना है दोस्तों। पहले आपको प्यार से देखना है, स्किप मत कीजिए, एक काम की चीज़ है दोस्तों। तो मैं हाथ से आपको दिखा रहा हूँ, इसको एंटर करूँगा। देखिए इसे यहाँ ब्लिंक कर रहा है, आपको बोल रहा है एंटर कीजिए, तो आप एंटर कर सकते हैं।
एंटर करने के बाद दोस्तों मैं अभी मान लीजिए 101 जहाँ से मैं फ्रॉम यानी जहाँ से मैं मान लीजिए बंगाल से हूँ, मैं बंगाल से बिहार जाऊँगा या मान लीजिए महाराष्ट्र जाऊँगा तो उसको टू बोलता है। तो मैं यहाँ हूँ जो क्योंकि बंगाल में हूँ तो इसको फ्रॉम बोलता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों आपको लोगों को, तो फ्रॉम यानी एक 101 से मैं 150 तक जाऊँगा। तो और एक बार एंटर करना बोल रहा है, यहाँ सिंपल बात है दोस्तों। एंटर करने के बाद आ गया टू, तो यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा, मान लीजिए मैं बिहार जाऊँगा, मान लीजिए दिल्ली जाऊँगा, तो यहाँ टू, तो यहाँ पे मैं 150 लगाऊँगा दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग यहाँ 101 है तो इसको मैं 150 में जाऊँगा। तो 150 में जाऊँगा दोस्तों, पहले 150 नंबर ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ 150 आ गया दोस्तों यानी 150 आ गया। और पीछे जो था फ्रॉम था यानी बंगाल से मैं दिल्ली जाऊँगा, तो ये 150 किलोमीटर हो गया मान लीजिए दोस्तों, या 150 नंबर में जाऊँगा मैं, ठीक है ना। 150 में मैं जाऊँगा तो इसको मैं एंटर करता हूँ, एंटर करना क्योंकि बोल रहा है ये लोग। एंटर करने के बाद दोस्तों फिर से एक बार एंटर कर ला, देखिए 101 से यानी बंगाल से दिल्ली जाएगा मान लीजिए। तो दोस्तों यहाँ जो बिगेनर है मान लीजिए, जो जिसको पता है दोस्तों आप लोग लाइक देके जा सकते हैं, जिसको नहीं पता है प्यार से देखिए, देखिए यहाँ साफ आपको दिखाई दे रहा है 101 से आपका जो पैच है आपको 150 में जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 101 है और वहाँ यहाँ 150 है, यानी आपको बोल रहा है यहाँ का पैच 101 का पैच आपको 150 में जाएगा। तो पहले आपको एंटर करना है, देखिए फिर चला जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या बोल रहा है, श्योर मतलब आप श्योर है, आप चाहते हैं ओके या कैंसिल, एग्जिट करके आप कैंसिल कर सकते हैं और ओके करना है तो आपको एंटर करना है। तो दोस्तों मैं एंटर करूँगा क्योंकि मुझे जाना है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं जाना है तो एग्जिट दाब देना है, उसको टीप के छोड़ देना है। तो देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, वहाँ कॉम्प्लीट हो गया। देखिए दोस्तों मेरा आ गया, सेम प्रोसेस करके आप कॉपी एक्सचेंज, किट एक्सचेंज, पैड कॉपी, किट कॉपी, इसमें जो इस बॉटम का जो सारे काम है तो कम है दोस्तों, आप एक साथ कर सकते हैं जैसे कि मेरा वीडियो आपने देखा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है दोस्तों तो आप लोगों का दोस्तों का किसी के पास अगर 20 प्रो है तो आप शेयर कर दीजिए, मेरे दोस्त को बहुत हेल्प होगा, आपका दोस्त यानी मेरा दोस्त। तो आपका दोस्त एंड होस्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, अच्छे रहिए, सुस्त रहिए।